एम्स हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद शारदा सिन्हा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शारदा सिन्हा जो कि बिहार की बहुत फेमस गायिका थी, उनके निधन से उनके फैंस, उनके चाहने वाले बेहद आहत हैं। सोशल मीडिया पर मातम पसरा है और लोग शारदा सिन्हा को आखिरी विदाई दे रहे हैं नम आंखों से। दिल्ली के एम्स में शारदा सिन्हा ने मंगलवार की रात करीब 10 बजे आखिरी सांस ली। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना लाया गया है, जिसके बाद उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। छठ गीतों से जबरदस्त शोहरत पाने वाली शारदा सिन्हा का निधन भी छठ पर्व के पहले दिन यानी कि नहाए खाए के दिन हुआ। शारदा सिन्हा के निधन के बाद कई हस्तियों ने सोशल मीडिया पर शोक जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया और इसके साथ ही बताया कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो बिहार में यानी कि पटना में किया जाएगा। इसके साथ ही शारदा सिन्हा के निधन के बाद नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पद्मश्री, पद्म भूषण और बिहार कोकिला के साथ साथ बहुत से ऐसे नाम हैं जिनसे उन्हें सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा का व्यक्तित्व इस मायने में भी खास है कि छठ गीतों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी और छठ गीतों का महत्व तभी बढ़ जाता है जब उनके गाने लोगों की जुबान पर होते हैं। उस दौर में शारदा सिन्हा ने अपने पारंपरिक भोजपुरी और मैथिली गीतों के जरिए समाज में अपनी थाक जमाई, साथ ही बाकी महिलाओं को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।